स्टूडेंट आई एम स्टार्टिंग नाउ इंग्लिश लैंग्वेज क्लास और ग्रामर. स्टूडेंट एट फर्स्ट राइट ए पैराग्राफ. ए डॉक्टर. स्टूडेंट आप लोग जानते हो डॉक्टर का कितना जरूरत है. डॉक्टर वर्क्स हार्ड टू सेव द लाइव्स ऑफ पेशेंट्स विद सीरियस एलिमेंट्स. डॉक्टर क्या कर रही है ना, जो सीरियस एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब जिसको बीमारी वाला लोग, उसको सेवा कर रही है, हार्ड वर्क करके उसके सड़ाता है. दे एक्ट एज एन इंस्पिरेशन टू सोसाइटी. डॉक्टर को जो काम है वो समाज का एक बहुत बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है. दी जॉब ऑफ ए डॉक्टर इज टू फाइंड आउट व्हाट द डिजीज ऑफ ए पर्सन आज टू प्रोवाइड मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स अकॉर्डिंगली. डॉक्टर लोग क्या कर रही है, पेशेंट को अच्छा से देख रही है, उसको क्या बीमार हुआ वो सचमुच फाइंड आउट करके उसको ट्रीटमेंट कर रही है और उसको प्रॉपरली दवाई दे रही है. डॉक्टर का बहुत काम है, जो बीमार वाला आदमी को जीने के लिए डॉक्टर को बहुत बहुत दरकार है. हम लोग डॉक्टर का धन्यवाद जानना चाहिए, जे प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर का क्या ज़रूरत है. हम लोग को देश में इतना बड़ा बीमार आ गया, डॉक्टर लोग हार्ड टाइम बीमारियों का लोग का पास में रहती है और उसको सेवा करते हैं. तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी केयरफुली डॉक्टर पैराग्राफ राइट, रीड एंड राइट एट होम एंड लर्न एट होम. फिर रिपीटेशन कर रही हूँ. डॉक्टर वर्क हार्ड टू सेव द लाइव्स ऑफ पेशेंट्स विथ सीरियस एलिमेंट्स. दे एक्ट एज एन इंस्पिरेशन टू सोसाइटी. द जॉब ऑफ ए डॉक्टर is to find out what the disease of a person has to provide medicines and treatments accordingly. Students very very carefully it is practiced at home. Next topics डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एक कहानी है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में. स्टूडेंट्स आई विल रीडिंग नाउ. ए बिग बिग टर्निंग एंड ओल्ड मैन प्लांटेड ए टर्निंग सीड इन ए स्मॉल फार्म. एक ओल्ड मैन उसका फार्म में एक टर्निप का प्लांटेशन बनाए. इट ग्रीव इन टू ए वेरी बिग टर्निप. एक बड़ा टर्निप तैयार हुआ. ही ट्राइड टू पुल इट आउट बट द टर्निप डिड नॉट मूव. वाला ओल्ड मैन क्या करा, वो टर्निप पकड़ के बहुत बहुत खींचा बट मूव नहीं करा, टर्निप मूव नहीं करा. ही कॉल्ड हिज वाइफ फॉर हेल्प. ओल्ड मैन उसको वाइफ को बुलाए हेल्प करने के लिए. स्टील द टर्निप डिड नॉट मूव. लेकिन वो टर्निप मूव नहीं किया. द ओल्ड वुमन कॉल्ड हर यंग ग्रैंडसन एंड लिटिल ग्रैंडडॉटर. उसको वाइफ उसको पोता पोती को बुलाए बट द टर्निप डिड नॉट मूव. लेकिन वो टर्निप मूव नहीं करा, इतना खींचा सब मिलके बट टर्निप मूव नहीं करा. दि लिटिल गर्ल कॉल्ड हर ब्राउन डॉग. लिटिल गर्ल क्या करा, उसको ब्राउन डॉग को बुलाए. टुगेदर दे पुल्ड एंड पुल्ड एंड पुल्ड. एक साथ में सब मिलके खींचा बट वो टर्निप मूव नहीं करा. सडनली पॉप अचानक पॉप कम आउट चली गई द बिग राउंड टर्निप. वो क्या करा, टर्निप को पास चली गई. और वो हम लोग जानती है डॉग लोग सब ऐसे मिट्टी
मिट्टी ऐसे ऐसे कर रही है, तो टर्निप का जो राउंड शेप है, राउंड सब में मिट्टी ऐसे करके क्या करा, टर्निप राउंड शेप कर दिया, टर्निप अचानक उठ गया। समझ गया बेटा ये कहानी? देखो फिर से पढ़ रही हूँ। एंड एन ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप सीड इन ए स्मॉल फार्म। एक ओल्ड मैन टर्निप को फार्म में प्लांटेशन किया। इट ग्रू इन टू ए वेरी बिग टर्निप। एक तो बड़ा टर्निप तैयार हुआ। ही ट्राइड टू पुल इट आउट बट द टर्निप डिड नॉट मूव। तो बार बार उन्हें खींचा टर्निप को, बट टर्निप मूव नहीं करा। ही कॉल्ड हिज वाइफ फॉर हेल्प। उसको वाइफ को बुलाए हेल्प करने के लिए। टिल द टर्निप डिड नॉट मूव। लेकिन टर्निप मूव नहीं करा। द ओल्ड वुमन कॉल्ड हर यंग ग्रैंडसन एंड लिटिल ग्रैंडडॉटर। उसको वाइफ उसको पोता पोती को बुलाए, बट द टर्निप डिड नॉट मूव। लेकिन टर्निप नहीं मूव किया। द लिटिल गर्ल कॉल्ड हर ब्राउन डॉग। लिटिल गर्ल उसको डॉग ब्राउन को बुलाए। टुगेदर दे पुल्ड एंड पुल्ड एंड पुल्ड। एक साथ में सब वो टर्निप को खींचा एंड खींचा। सडनली पॉप आउट केम द बिग राउंड टर्निप। अचानक वो सडन वो पॉप वो टर्निप को पास गए एंड वो टर्निप अचानक उठ गया। नेक्स्ट पेज 43। स्टूडेंट्स वेरी वेरी केयरफुली लुक एट द पेज 43। इन द स्टोरी गिवन अबव द वर्ड्स इन रेड टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स इन ग्रीन इज एग्जांपल। बिग टेल्स अस मोर अबाउट द टर्निप। टर्निप क्या है? टर्निप थिंग्स आर नेमिंग वर्ड। बिग क्या है? बिग टर्निप कैसा है थिंग्स, उसको बिग एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड। ग्रीन नेमिंग वर्ड, रेड डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओल्ड टेल अस मोर अबाउट द मैन और मैन पर्सन। मैन पर्सन नेमिंग वर्ड, ओल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेक्स्ट स्मॉल टेल अस मोर अबाउट द फार्म। फार्म प्लेस नेमिंग वर्ड और स्मॉल डिस्क्राइबिंग वर्ड। ब्राउन टेल्स अस मोर अबाउट द डॉग। डॉग एनिमल नेमिंग वर्ड एंड ब्राउन डिस्क्राइबिंग वर्ड। What is describing words? The words that tell us more about persons, place, animals and things are called describing words. What is describing words? The words that tell us more about persons, places, animals or things are called describing words. Next question, write one word to describe the pictures given below. Choose from the help box. One has been done for you. Student, look at the picture 43. Look at box. Tall, yellow, old, tiny, green, round. देखो बेटा नंबर वन में माउस है। माउस का फिल इन द ब्लैंक्स में किया बैठे लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड टाइनी। ये टाइनी माउस। नंबर टू ग्रास। ग्रास का बिफोर क्या बैठे थे? ग्रीन डिस्क्राइबिंग वर्ड। ग्रीन फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नंबर थ्री मैन। मैन का बिफोर वर्ड क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड? टॉल। टॉल मैन फिल इन द ब्लैंक्स विद टॉल। टॉल मैन। नंबर फोर लेमन। लेमन का डिस्क्राइबिंग वर्ड येलो। येलो फिल इन द ब्लैंक्स विद येलो। येलो लेमन। नेक्स्ट फाइव लेडी। लेडी का डिस्क्राइबिंग वर्ड इधर में है ओल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद ओल्ड। ओल्ड लेडी। नेक्स्ट सिक्स टेबल। टेबल का डिस्क्राइबिंग वर्ड इधर में है राउंड। राउंड फिल इन द ब्लैंक्स विद राउंड टेबल। रिपीटेशन अगेन। नंबर वन टाइनी माउस। नंबर टू ग्रीन ग्रास। नंबर थ्री टॉल मैन। नंबर फोर येलो लेमन। नंबर फाइव ओल्ड लेडी। नंबर सिक्स राउंड टेबल। स्टूडेंट वेरी वेरी केयरफुली लुक एट द बुक एंड पेज नंबर 42 एंड 43। इट इज प्रैक्टिस एंड रीड एंड लर्न एट होम।